हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। प्रेगनेंसी जर्नी एक बहुत खूबसूरत और एक बेहद अच्छा एहसास होता है जो माँ बनने वाली रहती हैं उनके लिए बहुत सुखद अनुभव रहता है और बहुत सारा इन्जॉयमेंट रहता है। इसके साथ ही एक अजीब ही खूब अच्छा पल रहता है, लेकिन कभी कभी माँ की कुछ गलतियों के कारण बच्चों में विकलांगता आ जाती है, जिससे बच्चा अस्वस्थ रहता है, पूरी तरह स्वस्थ नहीं रह पाता है। सभी पेरेंट्स और जो घर वाले हैं वो चाहते हैं कि जब भी प्रेगनेंसी कंसीव हो, बच्चा स्वस्थ हो, माँ स्वस्थ हो, दोनों हेल्दी हों, हैप्पी रहें, लेकिन कभी कुछ कंडीशन के कारण जो है बच्चों में विकलांगता आ जाती है, बेबी अच्छे से स्वस्थ नहीं रह पाता है। तो आज हम यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जिससे बच्चा हेल्दी हो, आप हेल्दी हो, आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी हो। प्रेगनेंसी कंसीव के बाद आपको आपके खान पान का विशेष ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी हो, साथ ही आपको आपके दिनचर्या का भी ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना हो सके प्रेगनेंसी के दौरान, अगर आपको समय नहीं मिलता है, आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, लेकिन आपको फिर भी 2 घंटे रेगुलर आराम करना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। आपके लिए ना करें भले ही, लेकिन आपको आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए ज़रूर आराम 2 घंटे या 1.5 घंटे आराम करना चाहिए। दिन में आपको 2 घंटे पर्याप्त मात्रा में आराम करना चाहिए। इससे बेबी रिलैक्स होता है, उसकी ग्रोथ में तेज़ी आती है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सोते हैं, कहा जाता है कि जब आप सोते हैं तभी बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से होती है, ज़्यादा वो बढ़ता है, उसकी मूवमेंट होती है, उसको ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से मिल पाता है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल पाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आराम ज़रूर कीजिए। आपको रात में तो 7 घंटे नींद अच्छे से लेनी ही है, लेकिन दिन में 2 घंटे आप कोशिश कीजिए कि आप लें। अगर आप सो नहीं पाते हैं तो थोड़ा लेटिए, उस रिलैक्स करिए, इससे भी बच्चे को पर्याप्त मात्रा में, जो उसकी ग्रोथ में तेज़ी आएगी और उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं तो वो है आयरन कैल्शियम, यानी कि आपके शरीर में आयरन कैल्शियम की जो चीज़ें रहती है खाने की, वो आपको पर्याप्त मात्रा में लेने चाहिए। आपके आहार में आप ऐसी चीज़ों को शामिल कीजिए जिसमें भरपूर मात्रा में आयरन कैल्शियम हो, क्योंकि कभी कभी विटामिन डी की कमी के कारण भी जो पैर और हाथों की जो हड्डियाँ रहती हैं वो अच्छे से विकसित नहीं हो पाती हैं। तो आप पर्याप्त मात्रा में समय समय पर जो आयरन कैल्शियम की टेबलेट्स रहती हैं उनको लीजिए, उनको खाइए, और आयरन कैल्शियम से की जो चीज़ें हैं, दाल हैं, फल हैं, फ्रूट्स हैं और हरे पत्तेदार सब्जियाँ, उनका सेवन ज़रूर कीजिए। इससे बेबी की जो ग्रोथ है वो तेज़ी आएगी, हड्डियाँ मजबूत बढ़ेंगी, मस्तिष्क स्ट्रॉन्ग बनेगा, ब्रेन डेवलपमेंट तेज़ी से रहेगा, क्योंकि इन्हीं कमी के कारण बच्चों में विकलांगता आती है। पैरों में उनके जो टाइटपन है, जो पैर एकदम खड़े रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए, वो नहीं रहते, थोड़े से लूज़ रहते हैं। बाद में बेबी गर्दन बहुत लंबे समय तक लटकाए रखते हैं या अच्छे से ठीक से चल नहीं पाते हैं। 9 महीना हो गया, 1 साल हो गया, बच्चे ने अभी तक चलना स्टार्ट नहीं किया, आपकी इन्हीं का गलतियों के कारण ऐसा होता है। अगर इसके साथ ही आपको किसी चीज़ के प्रॉब्लम है, या तो आपको शुगर है या बीपी हाई और लो होता है, तो आपको समय समय पर अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके बेबी की गतिविधियां पता चलती हैं कि बेबी पेट के अंदर, टमी के अंदर, यूटरस के अंदर ठीक से स्वस्थ है या नहीं, उसकी ग्रोथ हो पा रही है कि नहीं, उसके शरीर में कोई पानी की कमी तो नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन तो शरीर में पूरी तरह पर्याप्त मात्रा में पहुँच रहा है। तो आपको समय समय पर अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना चाहिए। अगर आपके कुछ कॉम्प्लिकेशन डिलीवरी है, या आपकी कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी है, या सेकेंड है, फर्स्ट है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि आपकी बेबी की हेल्थ का सवाल है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिए, इससे आप भी स्वस्थ रहेंगे, आप बेफिक्र रहेंगे, बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। तो आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में ज़रूर रखना है, जिस आप भी बेफिक्र रहेंगे और बेबी भी हेल्दी रहेगा और आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान आपको हैप्पी ज़रूर रहना है, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा नेगेटिव रहेंगे, जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं बेबी के डेवलपमेंट पे, उतना ही ज़्यादा इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। बेबी भी उसी तरीके का विचार वाला रहता है। तो आप जितना हैप्पी रहेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो बेबी के स्वास्थ्य पर, उसके दिमाग पर उतना ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बेबी भी उतना ही ज़्यादा हैप्पी रहेगा। और सभी माता पिता चाहते हैं कि हमारा बेबी बहुत अच्छा हैप्पी रहे, पूरी तरह स्वस्थ रहे, पॉजिटिविटी से रहे। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान जरूर रखिए, अगर आप चाहते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी हेल्दी हो और अच्छी हो और एक हम स्वस्थ बच्चे को जन्म दें। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ऐसे कुछ भी काम ना करें कि बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना या बहुत ज़्यादा भारी वाले काम, इससे आपके बेबी को खतरा हो सकता है, क्योंकि बेबी के वेट पर भी इसका वजन पड़ता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर काम करते हैं, उतार चढ़ाव वाला काम करते हैं, तो बेबी के वेट में ज़रूर फ़र्क आता है।
अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, अच्छे पॉजिटिव रहिए, बेबी हैप्पी होगा, आप हैप्पी रहेंगे और आपकी नॉर्मल डिलीवरी जल्दी और आसानी से होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।